हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो मैं आगे वीडियो किस तरह बनाऊँगा, खुद ही सोचिए ना। तो दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और आगे जाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर YouTube पर आए को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ये ट्रेलर जो है YouTube पर नंबर वन की ट्रेंडिंग पर है। दोस्तों, लोगों को ये ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जो इसे बार बार ये कह रहे हैं कि ये फिल्म तो रीमेक है, साउथ की रीमेक है, इसकी रीमेक है, उसकी रीमेक है, ये फिल्म जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी क्योंकि बॉलीवुड वाले रीमेक्स का कचरा कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हमने रिमेक्स फिल्म्स को भी पसंद किया है। हमने टाइगर श्रॉफ की जो फिल्म आई थी, जो पहले फिल्म थी हीरोपंती, वो भी साउथ की फिल्म की रिमेक थी, उसे लोगों ने पसंद किया। कबीर सिंह फिल्म जो आई थी शाहिद कपूर की, उसे भी लोगों ने पसंद किया। और अक्षय कुमार की ही फिल्म जो राउडी राठौर थी, सलमान खान की फिल्म जो थी वॉन्टेड, और ऐसी कई फिल्में हैं साउथ की रिमेक्स जो हैं वो बहुत अच्छी भी बनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो साउथ की फिल्मों की रिमेक्स होती है या कई किसी और फिल्म की रिमेक होती है वो बकवास होती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो बहुत ही इलॉजिकल लग रही है, बकवास सी लग रही है। तो दोस्तों, ये जो लोग हैं जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, वो लोग हैं सलमान भाई के फैंस। जी हाँ दोस्तों, सलमान भाई के जो फैंस हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ वीडियोस के जो जो ट्रेलर है बच्चन पांडे का, कई जगह और इस पर कई सारे वीडियोस बने हैं, उन पर मैं कमेंट्स में ज़रूर जाता हूँ, कमेंट्स पढ़ने की मुझे आदत है, उन पर जाकर देख रहा हूँ। तो वो लोग अक्षय कुमार के जो फैंस हैं और सलमान खान के जो फैंस हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। या दोस्तों, उन लोगों का कहना है कि सलमान खान का जो समय है अब वो ख़त्म हो चुका है। जी दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी, ज़बरदस्त फाइट जो हो रही थी वो फेसबुक पर मैंने देखा कि सलमान खान सॉरी अक्षय कुमार के जो एक फ़ैन है उसने कमेंट किया कि सलमान खान ने खुद अनाउंस किया है कि उनका समय अब ख़त्म हो चुका है। ऐसा क्यों कहा? तो जब जवाब में उसने बंदे ने कहा है कि जो सलमान खान की जो फिल्म थी अंतिम अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उस बंदे ने ये कहा है कि सलमान खान ने खुद कहा है कि ये अंतिम है और यही फाइनल ट्रुथ है, यही सच्चाई है। और मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और वहीं सलमान खान के जो फैंस है वो लगे हुए पड़े हैं कि अरे सलमान खान तो किंग है, बॉलीवुड का भाई है, भाई है, भाई है। तो भाई पर एक बंदे ने जवाब दे दिया कि भाई तुम जाकर जो है वो ट्रेलर देखो बच्चन पांडे का, उसमें सलमान, उसमें जो अक्षय कुमार कह रहे हैं कि मुझे भाई नहीं, मुझे गॉड फादर कहते हैं। वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई का गॉड फादर अक्षय कुमार है। वो मतलब ज़बरदस्त की जो फाइट है वो अक्षय कुमार और सलमान खान के बीच में, फैंस के बीच में जो है वो शुरू हो गई है। मतलब ये अक्सर होता है, मैंने देखा है हमेशा ही YouTube पर, Facebook पर, जहाँ कहीं भी सलमान खान की जब फिल्म आती है तो अक्षय कुमार के जो फैंस होते हैं वो उनसे लड़ते हैं, या फिर जब सलमान खान की फिल्म जब फ्लॉप हुई, राधे फिल्म जब फ्लॉप हुई थी तो बहुत ज़्यादा सलमान खान को क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया, जोक्स बनाए गए, तो सलमान खान के फैंस जो हैं वो गालियाँ देने लगते हैं। फिर जब फिल्म फ्लॉप हुई थी अक्षय कुमार की, वो जो फिल्म थी लक्ष्मी, वो फिल्म जब फ्लॉप हुई थी तो फिर सलमान खान के फैंस ने कहा था कि भाई बाप बाप होता है, ऐसा होता है। अभी जो है वो फिर लड़ाई चल रही है कि मुझे भाई नहीं, मुझे गॉड फादर कहते हैं। भैया अक्षय कुमार ने खुद ये डायलॉग बोला है ट्रेलर के एंड में बच्चन पांडे के। तो दोस्तों जंग शुरू हो गई है क्योंकि सलमान खान ही जो है वो भाई हैं, सलमान खान ही इस इंडस्ट्री के भाई हैं, सलमान खान ही एक ऐसे हीरो है जिन्हें सब लोग भाई कहते हैं। सलमान खान का डायलॉग भी है अंतिम फिल्म में जिसमें सलमान खान कहते हैं कि तुझे इस एरिया का लोग भाई कहते हैं लेकिन मैं पूरे इंडिया का भाई हूँ। और इसी पर अब अक्षय कुमार का एक बच्चन पांडे में डायलॉग आता है कि मुझे भाई नहीं, मुझे गॉड फादर कहते हैं। तो दोस्तों ये लड़ाई अभी देखते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि क्या ये ऐसा प्लान करके किया जाता है या फिर
ये सिर्फ राइटर ने लिखा हुआ है फिल्म में, तो दोस्तों या फिर ये फिल्म को जो है प्रमोट करने के लिए या चढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी राय इस बारे में क्या है, सलमान वर्सेस अक्षय कुमार। ओके, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। गुड बाय।